जहां एक तरफ प्रदेश सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे कर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है, परंतु धरातल पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही एक मामला पोलाय कला नगर परिसर से जुड़ा हुआ है, जहां पर अतिक्रमण की बाढ़ आई हुई है। जहां देखो वहां दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बड़े बड़े आलिशान मकान बना लिए हैं, परंतु नगर परिषद अभी भी अपनी आंखें बंद करके कुमकर्णी नींद सोई हुई है। जब इस संबंध में तहसीलदार व नगर परिषद से हमारे द्वारा जानना चाहा, तो मात्र छोटे 15 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस देकर यह बताने का प्रयास किया गया कि हम अतिक्रमण करके ऊपर वैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात यह है कि आखिर प्रशासन दबंगों के आगे बेबस क्यों दिखाई दे रहा है और उन पर कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहा है। प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह अनशन पर बैठे हुए भाजपा नेता अरविंद मंडलोई के खिलाफ अनलीगल बयानबाजी से भी नहीं बच रहे हैं और दबंग बेखौफ होकर के शासकीय भूमि पर बड़े बड़े आलिशान मकान बना रहे हैं। और इसको लेकर भी पोलाय कला में युवा भाजपा नेता अरविंद मंडलोई के द्वारा तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई और ना ही किसी प्रकार की कार्यवाही की गई। बीड़ा उठाया नौजवानों ने, एक बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया कि पोलाय कला को अतिक्रमण मुक्त करने का। स्पष्ट है पहले हमारी सरकार की भी जो मंशा थी और जिसके माध्यम से माफिया के खिलाफ अभियान चलाया था, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, अलग अलग तरह के माफियाओं को, और इसी के कारण पूरे छोटी छोटी जगहों से कहीं ना कहीं अतिक्रमण मुक्त हुआ था। और जिसके माध्यम से हम लोग शहर के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, लोगों के खेल ग्राउंड के लिए, हॉस्पिटल के, अलग अलग जगहों को चिन्हित कर पाते थे। पर जिस प्रकार से मुहिम चल रही है, मैंने अधिकारियों से भी बात करी और स्पष्ट रूप से उनने इन जो नौजवानों ने आज धरना दिया है उन सबको भी आश्वासन दिया कि 15 दिन के भीतर ये होना चाहिए। और स्पष्ट है अधिकारी अतिक्रमणकर्ताओं से भी बात करें और उनको भी ये समझाए और समझाए, अगर नहीं समझते कोई तो उसके बाद फिर कार्रवाई करें कि स्पष्ट है कोई भी चीज जो अतिक्रमण होगी उससे शहर का विकास रुकता है, इस तरह के अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। पोलाय कला तहसील के सामने कुछ नगर के लोग शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के संबंध में धरना प्रदर्शन दे रहे थे और हम वहाँ भी उनसे मिल के आए हैं और हमने आश्वासन दिया है कि हमने दल गठित कर सर्वे करवा रहे हैं और तो प्रभावी कार्रवाई अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध शीघ्र अतिशीघ्र की जा रही है। सर, कितने आदमियों को अभी तक नगर परिषद द्वारा नोटिस दिया गया है? नगर परिषद द्वारा 12-15 लोगों को नोटिस दिया गया है और हमने उक्त संबंध में विस्तृत सर्वे दल भी बनाया है जो हम सर्वे करके हमें पूरी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके आधार पर हम सभी अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अतिक्रमण, अवैध निर्माण, भूमाफियाओं के खिलाफ। यहाँ अनशन कब तक चालू रहेगा? अभी तहसीलदार साहब आए थे हमारे पास, उनने कहा है कि हमने जांच बिठा ली है और हमें समय चाहिए 15-20 दिन का, और उन्होंने निवेदन किया हमसे कि आज उठ जाओ आप। मैंने साहब बोला उनके दरअसल लिखित में, देखिए भैया लिखित में कोई नहीं सकते, हम हमारे अधिकारी से उठकर बात करेंगे, उसके बाद में 15 दिन का समय चाहिए हमको अतिक्रमण के लिए हटाने के लिए, और पहले भी आवेदन दे चुके हैं अपन। कितना समय हो गया आवेदन दिया आपको? करीब करीब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा, दशहरा पहला का दिया, 1 हफ्ता हो गया। अभी उस पर एक्शन यही है, इनने बोला कि हमने नोटिस जारी कर दी है, सबको नोटिस दिए हैं और नोटिस का अभी तक कोई, मुझे लगता है कि कोई एक्शन नहीं हुआ है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सुजालपुर से रमेश।